सर्वांग साथी पूर्ण फैशन मॉल सर्व वयोगटतिल अपवादात्मक श्रेणी विस्तृत वैरायटी श्री प्रसिद्धि शॉपिंग मॉल सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ श्री प्रसिद्धि शॉपिंग मॉल अपल्या चंद्रपुर मध्ये श्री प्रसिद्धि शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शन ब्राइडल लहंगास सारीज चूड़ीदार ड्रेस मटेरियल्स वेस्टर्न वेयर किड्स वेयर मेंस वेयर 18 अक्टूबर रोजी महा शुभारंभ श्री प्रसिद्धि शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। राज्य के वन सांस्कृतिक और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनन तिवार ने कहा कि हमें अपनी प्रगति के साथ साथ पूरे समाज की प्रगति में योगदान देना चाहिए। कन्या परमेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा दूल्हा दुल्हन मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। वे समागम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। मंच पर विधायक समीर कुनावार, श्रद्धा कुनावार, मिलिंद कोतपल्लीवार, संदीप पोशेटीवार, राजेश्वर चिंतावार, सपना मुनगंटीवार, प्रशांत कोलपल्यावार, तन्मय विद्वई, अजय माबिडवार, उदय बुद्धावर, राजेश्वर सुरावर, महेश कल्लुरवार, श्रीराम झुल्लुरवार, गिरिधर उपगनलावर, अमित कासन गोटुवार मौजूद थे। इस अवसर पर मुनगंटीवार द्वारा स्मारिका वाट सहजीवनाची का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि 1990 में वे उपवर वधु मेलावा के अध्यक्ष थे और उपवर भी। 1990 से 2023 के बीच समाज में कई बदलाव आए, लेकिन 1990 की यादें आज भी ताज़ा हैं। सभा में दूल्हा दुल्हन की दो अलग अलग किताबें निकाली गई हैं। इनमें दुल्हनों की संख्या हैरान कर देने वाली है। समाज में लड़कियों की घटती संख्या चिंता का विषय है। हम दुआ करते हैं कि हर दूल्हा दुल्हन को उम्मीद के मुताबिक जीवन साथी मिले। उपवर वधु मेला एक प्रकार का आत्मीयता मिलन है। इन सभाओं में न केवल दुल्हन की तलाश होती है, बल्कि समुदाय के साथी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं। मुनगंटीवार ने निष्कर्ष निकाला कि कन्या परमेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा अब तक किया गया कार्य उत्कृष्ट है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कन्या परमेश्वर देवस्थान ट्रस्ट को एक समिति या एक उप समिति के माध्यम से चंद्रपुर के पूरे समुदाय को एक छत के नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उपवर वधु मेलों में समाज के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिए आयोजकों को बधाई दी। कार्यक्रम में श्री माता कन्या परमेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य और जन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। अपनी रेट लतीफी के लिए पुलिस बदनाम होती है, मगर इस बार रामनगर पुलिस निरीक्षक राजेश मूले के नेतृत्व में डीपी स्क्वाड के साथ एसडीपीओ और एसपी के मार्गदर्शन में जबरदस्त कामगिरी करते हुए एक ही दिन में 5 जगह हुई चोरी और घर फोड़ी के आरोपियों को धर दबोचा है। सारा चोरी किया हुआ माल भी बरामद कर लिया है। 11 दिसंबर 2022 को सुधीर टांगे के घर में चोरी हुई। 1,19,400 का सोना चांदी गायब हुआ। उसी तरह काजल कुलमेथे के घर से 63,000 का सोना चांदी चोरी हुआ था। अब्दुल रशीद चे के घर से आभूषण और नगद मिलाकर 70,000 की चोरी हुई थी और भास्कर रामटेके के यहाँ से उनकी मोटरसाइकिल उड़ा दी गई थी। रामनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और कुछ गोपनीय जानकारी के आधार पर इन सभी चोरी के आरोपी इंदिरा नगर निवासी प्रवीण शेख हांडी और कृष्णा नगर निवासी अमन झाड़े और रामाला काटेवन को जाल बिछाकर हिरासत में ले लिया। इन आरोपियों पर गुग्गुस और भद्रावती के एटीएम फोड़ने की कोशिश करने के भी आरोप है। अदालत ने इन आरोपियों को आगे की जांच के लिए पुलिस कस्टडी में दे दिया है। उसी तरह केवल एक दिन पहले मिली शिकायत अनुसार शरद खत्री के घर भी चोरी हुई थी, जिसमें उनके चांदी के सामान गायब हुए थे। इस अपराध में शामिल भिवापुर बाट के रहवासी करण ओम प्रकाश टंडन को अपराध में इस्तेमाल हुई होंडा मोटरसाइकिल समेत हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जाँच एएसआई एकरे, पीएसआई मुरले और पीएसआई सामलवार डीबी स्क्वाड के साथ कर रहे हैं। रामनगर थाना इंचार्ज राजेश मूले ने एसडीपीओ और एसपी के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद अदा किया है। उसी तरह नागरिकों को अपने घरों और मोहल्ले में सीसीटीवी लगाने की अपील की है। रामनगर थे सुधीर टोंगे यानी डिसेंबर 22 रोजी दिलेल्या फिर्यादीवरून घरपुढीचा गुन्हा दाखल होता। सदर गुन्ह्यामध्ये त्यांच्या घराचे ते बाहेरगावी गेलेले असताना घराच्या दाराचे लॉक तोडून सोने चांदीचे दागिने किंमत 1,19,400 रुपयाचा माल तसेच काजल कुळमेथे राहणार नरेंद्रनगर यांच्या घरून सोने चांदीचे दागिने 63,000 रुपये, अफजल हुसेन शेख राहणार सहकार नगर यांच्या घरातून सोन्याचे दागिने रोख रक्कम 70,000 रुपये,
आणि भास्कर रामटेक यांची मोटरसायकल असा वेगवेगळ्या घरफोडीच्या गुन्ह्या चार गुन्ह्यामध्ये मुद्देमाल चोरीला गेला होता. सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आमचे डीबी पथकाचे जे अधिकारी कर्मचारी यांनी कसोशीने प्रयत्न करून सीसीटीव्ही कॅमेरे, घटनास्थळाचे शेजारचे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि काही गोपनीय माहिती या आधारे आरोपित इसम जे आहेत प्रवीण शेठ हंडी हा राहणार आहे इंदिरानगर, अमन झाडे राहणार कृष्णनगर मूल रोड आणि यमला कोरवन पिपरबोडी या तिघांना ताब्यात घेतलं, त्यांना इंट्रोगेट केलं आणि यांच्याकडून या चारही गुन्ह्यात जे गेलेला मुद्देमाल हा जप्त केला. सदर आरोपींनी पोलीस स्टेशन घुग्गुस आणि भद्रावती येथे ATM चोरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. ATM-मधून फोडून चोरी करण्याचा प्रयत्न केला, त्या गुन्ह्याचीसुद्धा कबुली दिलेली आहे. सदर आरोपींना आम्ही पोलीस कस्टडी रिमांड घेऊन या गुन्ह्यातील मुद्देमाल जप्त केलेला आहे आणि या दृष्टीने आम्ही त्याचा PCR घेऊन तपास करत आहोत. माझं सर्व नागरिकांना विनंती आहे की आमचे जे गुन्हे आहेत हे एकमेव आणि केवळ CCTV कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून उघडकीस येत आहेत. तो एक चांगला पुरावासुद्धा आम्हाला त्यात मिळतो. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की आपण आपल्या घरी CCTV कॅमेरे बसून घ्यावेत. ते कॅमेरे आपण वस्ती मिळून एकत्र करूनसुद्धा बसू शकता किंवा वैयक्तिक आपण स्वतःचे बसू शकता, परंतु त्याच आधारे गुन्हा ओळखी येऊ शकतो. अन्यथा इतरमध्ये आम्हाला खूप त्रास होतो किंवा उघडकीस येण्याचं प्रमाण फार कमी आहे. धन्यवाद. पोलीस स्टेशन रामनगर हद्दीमध्ये फिर्यादी शरद खत्री हे बाहेरगावी गेलेले असताना त्यांच्या घरी घरफोड झाली होती. त्यांनी पोलीस स्टेशनला 8 जानेवारी 2023 रोजी रिपोर्ट दिली. येऊन सदरुगाच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशनला घरफोडीचा गुन्हा दाखल झाला होता. म्हणजे कालचीच गोष्ट होती ती. आणि त्यामध्ये आम्ही त्यांच्याच घरी लावलेले CCTV कॅमेरे आहेत, त्याच्या माध्यमातून हा गुन्हा उघडकीस आलेला आहे. सदर गुन्ह्यामध्ये चांदीचे जोडवे, चांदीचा चाळ, नंतर चांदीची कटोरी आणि चांदीचे शिक्के असा 4,100 रुपयाचा माल चोरीला गेला होता. सदर गुन्ह्यात आरोपी करण ओमप्रकाश टंडन राहणार भिवापूर वाड यास अटक करण्यात आली असून सदर गुन्ह्यातील संपूर्ण मुद्देमाल 4,100 रुपयाचा जप्त केलेला आहे. तसंच त्यांनी गुन्ह्यात करतेवेळी वापरलेली मोटरसायकल होंडा युनिकॉर्न कंपनीची ही 40,000 रुपये ही सुद्धा जप्त करण्यात आलेली आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास हा API एकरे, PSI भुरले आणि PSI सांभाळवार तसेच DB पथकातील कर्मचारी यांनी उघडकीस आणलेला आहे. कसोशीने प्रयत्न केलेला आहे. घरफोडीच्या गुन्ह्यामध्ये आम्हाला वरिष्ठांकडून माननीय SDP सर, माननीय SP सर यांचं वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळत असतं. त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आम्ही हे गुन्हे उघडकीस आणत असतो. सदर गुन्हा हा त्यांच्याच घरी असलेल्या CCTV कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून उघडकीस आलेला आहे. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की प्रत्येकाने आपल्याकडे CCTV कॅमेरे हे बसून घ्यावेत, जेणेकरून अशा घटना होणार नाहीत किंवा झाल्यास तर मग त्या उघडकीस आणण्यास मदत होईल. राजनीति आज तकरीबन हर सक्रिय नागरिक के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और अगर आप सामाजिक कार्य में ये समाज में अहदा रखने वाले या पैसे वाले हैं तो आपके लिए राजनीति विकल्प नहीं मजबूरी बन जाती है. फिर उसके आगे किस वक्त किस पार्टी या किस नेता के साथ रहना इसे राजनीतिक समझ या राजनीतिक कला आजकल कहते हैं. रवि शिंदे भद्रावती में दूसरे पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को रोककर शिवसेना की खाली हुई जगह को भरकर अपनी राजनीतिक आकांक्षा पूर्ण करना चाह रहे हैं ताकि उनके विरोधी उन पर स्थानिक या सहकारिता राजनीति में हावी ना हो सके. शिवसेना के वर्तमान पदाधिकारी उन्हें नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उनके आने से इन पदाधिकारियों का महत्व कम हो सकता है और भविष्य में रवि शिंदे बड़े नेता बनने पर उनके नीचे कार्य करना पड़ सकता है. मुंबई के पदाधिकारी बालू धानोरकर के शिवसेना छोड़कर जाने के बाद एक सक्षम और प्रभावी नेता इस क्षेत्र के लिए ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें रवि शिंदे के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए वो रवि शिंदे को किसी भी तरह से समाविष्ट कर लेना चाहते हैं. अब 3 का पेज फंस चुका है और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने कदम पीछे लेता है. फिलहाल रवि शिंदे का भद्रावती वरोरा विधानसभा क्षेत्र के लिए संपर्क प्रमुख बनने का और उनके करीबी भास्कर ताजने को उप जिला प्रमुख बनाने का और दत्ता बोरीकर को तालुका प्रमुख बनाने का विरोध जोरों से शुरू है. हालांकि रवि शिंदे सभी को मनाने में लगे हैं और उनका मानना है कि ये केवल व्यक्तिगत विरोध है जो कि उच्च पदाधिकारी संभाल लेंगे और आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा.